बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुज़फ़री डॉट कॉम के प्यारे नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब और पी नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दोनों के जनाजे में से किसका जनाजा ज़्यादा बड़ा हुआ था। क्योंकि पी नसीरुद्दीन के जनाजे की बात करें तो उनका जनाजा भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, और खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे की बात करें इनका जनाजा भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो अब अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि किसका जनाजा ज़्यादा बड़ा हुआ था। प्यारे नाज़रीन, इस तरह की वीडियो आपको YouTube में कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगी। तो प्यारे नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और आपको इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब सबूत के साथ मिलेगा। सबसे पहले हम मौलाना खादिम हुसैन साहब रिजवी के जनाजे की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इनका जनाजा लाहौर इकबाल पार्क में करवाया गया था, और इकबाल पार्क का कुल रकबा 1.33 मरबा किलोमीटर है। इकबाल पार्क के अलावा साज रोड्स, पुल, दरबार और रावी तक जो है वो आवाम खड़ी थी। तो प्यारे नाज़रीन, सिर्फ़ हम इकबाल पार्क की बात करें तो इकबाल पार्क में 1 फुट में अगर एक बंदे को खड़ा करें तो ज़रब तकसीम करने के बाद यह रिज़ल्ट मिलता है कि इकबाल पार्क में जो आवाम थी वो 1,44,000 से ज़्यादा थी, 1,44,00,000 से ज़्यादा थी। और दोस्तों, सिर्फ इकबाल पार्क में इतनी आवाम थी, तो जो बाकी जो रोड्स, पुल और बाकी जो आवाम खड़ी थी उनका अंदाज़ा नहीं लगाया, सिर्फ इकबाल पार्क का लगाया है। तो इकबाल पार्क में जो आवाम थी वो 1,44,00,000 से ज़्यादा थी। मेरे प्यारे नाज़रीन, अब हम पीर नसीरुद्दीन के जनाजे की बात करते हैं। इनके जनाजे की बात करें तो इनका जनाजा ओपनली करवाया गया था, क्योंकि वाम चाहने वाले इतने ज़्यादा थे, उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्यारे नाज़रीन, जिस इलाके में पीर नसीरुद्दीन साहब का जनाजा करवाया गया था वो इलाका पूरे का पूरा भरा हुआ था, कई कई किलोमीटर तक आवाम फैली हुई थी, आवाम पहाड़ों पे खड़ी थी, रोड्स पे खड़ी थी, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक आवाम नज़र आती थी। तो प्यारे नाज़रीन, जैसे मौलाना खादिम हुसैन साहब रिजवी के जनाजे में पूरे लोगों को काउंट नहीं किया जा सका, वैसे ही पीर नसीरुद्दीन के जनाजे में भी लोगों को पूरा काउंट नहीं किया गया था, क्योंकि आवाम इतनी ज़्यादा थी, उनको गिनना, काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो यही कह सकते हैं कि दोनों का जनाजा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, दोनों ही सच्चे आशिक़ रसूल थे। इसलिए मुझे एक शेर याद आता है कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ जो चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। अगर तुम नबी से वफ़ा करोगे तो ज़माना तेरे साथ वफ़ा करेगा।